हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सबकी फेवरेट रेसिपी, जिसे कहते हैं पाए की रेसिपी। यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी और टेस्टी पाए बनाना बताया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाते हैं। मैं यहाँ पर बकरे के पैर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बकरे के चार पैर लिए हैं, जिसे मैंने धोकर बहुत ही अच्छे से रख लिया है। बकरे के पैर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यह बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया। चलते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार लौंग ली है, दो हरी इलायची, एक बड़ी काली इलायची, 8 से 10 मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिए, दो तेज पत्ते, आधी चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। यहाँ पर मैंने कुकर में एक गिलास पानी लिया है। अब इसी पानी में हम सारे पाए को डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, इस तरह से हम इसमें सारे पाए डाल देंगे। मैंने यहाँ पर जो मसाले लिए थे उन सबको, मसालों को मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे ढक्कन लगाकर हम पका लेते हैं। मैं इसे हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाऊंगी और 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 3 सीटी आने के बाद। अब यहाँ पर 3 सीटी आ चुकी है, मैं गैस के फ्लेम को मीडियम करके 8 मिनट और पका लेती इसे। अब यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते, फिर इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। अब यहाँ कुकर ठंडा हो चुका, मैं ढक्कन हटाऊंगी। आप देख सकते हैं पाए बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इसे हम चला देते इस तरह से, ये बहुत ही लाजवाब गले हुए हैं। मैं इसे आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। हड्डी से गोश्त बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। आप देख सकते हैं ये पाए बहुत ही अच्छे गलकर तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इन्हें बनाने के लिए। मैंने इनकी ग्रेवी के लिए यहाँ पर 4 हरी लौंग लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 1 चक्री फूल लिए, 1 चम्मच शाही जीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम दही लिया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ धनिया, 2 मैंने हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है, 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मैंने बड़े प्याज को इस तरह से पतला पतला काट के रख लिया है। अब यहाँ पर मैं सूखे मसाले लूँगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने सबसे पहले इसमें कढ़ाई गरम करी है, मैं इसमें तेल डालूंगी। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। अब तेल को गरम होने का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ तेल गरम हो चुका, मैं सारे सूखे मसाले इसमें डाल दूंगी। अब इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं यहाँ पर, इसे हम चला देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसे अब हम चला देते हैं। प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे ग्राइंडर में निकाल लेती हूँ, इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इस तरह से हम सारी प्याज निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर इसका एक पेस्ट बना लिया, इसी पेस्ट को हम इसी तेल में डालकर पका लेते हैं मसालों के साथ। अब मैंने यहाँ पर गैस चालू कर दी है, सारी प्याज को हम इसमें डाल देते हैं जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरह से हम इसे चला देते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसको मैं अच्छे से चला देती हूँ। इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके, इसको भी अच्छे से अब चला देते हैं। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी, जिसे मैंने पेस्ट बनाकर रख ली थी, इसको भी अच्छे से चला देते हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके, अब हम सारे सूखे मसाले डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से चला देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इसे अच्छे से चला देना है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, जिसे मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। अब इसको भी हम अच्छे से चला देते हैं। अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बॉयल करने में नमक डाला था। अब यहाँ पर मैं उसी बर्तन को खंगाल कर पानी डाली जिसमें मैंने प्याज को ग्राइंड किया था। अब इसको भी हम अच्छे से चला देते हैं।
अब मैं इसे ढककर मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेती हूँ। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मसाले यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भून रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ पर खोल कर पकाऊँगी, थोड़ा इसे हम और भून लेते हैं। अब यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब भुंजा हुआ है। अब मैं इसमें दही डालूंगी, दही को हमें डालकर फटाफट चलाना है जिससे कि मसाले में दही हमारा फट ना जाए, तो हम इसे फटाफट चला लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटाकर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुका है मसाला हमारा। अब मैं इसमें सारे पाए डालूंगी जिसे मैंने बॉयल करके रख लिया था, इन सब को भी मैं बहुत ही अच्छे से चला देती हूँ। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आधा कप पानी डाल रही हूँ उसी बर्तन को खंगाल कर जिसमें पाए थे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है। अब मैं इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पका लेती हूँ। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटाऊँगी। आप देख सकते हैं ये ग्रेवी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डालूँगी, कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे भी हम अच्छे से चला देते हैं। बकरे की पाए हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इसे निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हुए हैं और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, तो आप लोग भी इसे बनाकर इंजॉय करें, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पाए बनकर तैयार हो चुके हैं, मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गले हैं। अगर आपको मेरी ये टेस्टी और आसान रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।